हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। नमस्कार। हेलो, नमस्कार। जय हिंद। चलिए, हम लोग पढ़ रहे थे क्या, रस। रस में आप लोगों को क्या क्या पढ़ाए थे, रस की उत्पत्ति, रस की निष्पत्ति, रस के तत्व, रस संप्रदाय के जनक, रस शब्द में सबसे अच्छी पुस्तक क्या है, रस के बारे में कितने रस थे, कितने अस्थाई भाव थे, किसके अनुसार क्या परिभाषा थी, किसके अनुसार क्या थी, रस के तत्व क्या थे, रस कितने प्रकार के थे। तो चलिए देख लेते हैं, आज का हमारा अगला टॉपिक होगा क्या, चलिए देख लेते हैं। आज का हमारा अगला टॉपिक होगा मेरे दोस्तों, रस के प्रकार। फिर इसके बाद देखेंगे रस के प्रकार, आपका टॉपिक है मेरे दोस्त रस के प्रकार तथा उनके अस्थाई भाव, तथा उनके स्थाई भाव, रस के प्रकार तथा उनके स्थाई भाव। कोई दिक्कत? चलिए दोस्तों, तो आप लोग एकदम अच्छे से एक तरफ मेरे साथ लिखते चलिए। एक तरफ लिखिए क्या, रस। एक तरफ लिखिए अस्थाई भाव। एक तरफ लिखिए मेरे दोस्तों रस, एक तरफ लिखिए अस्थाई भाव। चलिए, रस के प्रकार तथा उनके अस्थाई भाव, आज का हमारा यही टॉपिक रहेगा, ठीक है। देखिए, रस के प्रकार में एक तरफ लिखिए मेरे दोस्त रस, एक तरफ लिखिए अस्थाई भाव, स्थाई भाव, ठीक है। आप लोगों से हमने बता दिया था कि भरत मुनि के अनुसार रसों की संख्या कितनी है, आठ। भरत मुनि के अनुसार अस्थाई भाव की संख्या कितनी है, आठ। तीनों बोलिए कितनी है, आठ। आगे चलिए देखिए, फिर देखते हैं। फिर हमने बताया था कि शांत रस को नौवां रस माना जाता है। कौन सा रस? नौवां रस। किस रस को? शांत रस को। फिर इसके बाद दसवां रस मेरे भैया वात्सल्य रस को माना जाता है। ग्यारहवां रस किसे माना जाता है? भक्ति रस को या भगवत विषयक रस को माना जाता है। चलिए, रस में मेरे दोस्त पहला वाला आपको मिलेगा क्या, श्रृंगार रस। पहला वाला रस क्या मिलेगा, श्रृंगार रस। पहला वाला रस क्या मिलेगा, श्रृंगार रस। अस्थाई भाव मेरे दोस्त क्या होगा, रति। श्रृंगार रस का अस्थाई भाव क्या होगा, रति। दूसरा वाला हास रस, हास्य रस। इसका अस्थाई भाव मेरे भैया क्या होगा, हास। हास्य रस का अस्थाई भाव क्या होगा, हास। क्या होगा, हास। अगला रस मिलेगा करुण रस। करुण रस का अस्थाई भाव क्या होगा, शोक। करुण रस का अस्थाई भाव क्या होगा, शोक। श्रृंगार, हास, करुण, शोक होगा किसका, करुण रस का। अगला वाला देखिए कौन सा रस आएगा। अगला वाला रस आएगा वीर रस। कौन सा रस, वीर रस। वीर रस का अस्थाई भाव उत्साह। वीर रस का स्थाई भाव उत्साह। अगला वाला रस आएगा रौद्र रस। रौद्र रस का स्थाई भाव क्रोध। रौद्र रस का स्थाई भाव क्या होगा, क्रोध। श्रृंगार, श्रृंगार, हास्य, करुण, वीर, रौद्र। एक दो तीन चार पांच, पांच रस में आपको याद करना है क्या, चार गो रस बनाइए, चार चार रस का। चार रस में श्रृंगार, हास्य, करुण, वीर, श्रृंगार, हास्य, करुण, वीर, रतिहास, शोक, उत्साह, रतिहास, शोक, उत्साह। अगला मिलेगा क्या, रौद्र रस। रौद्र रस का स्थाई भाव क्रोध। इसके बाद भयानक रस। अगला वाला मिलेगा भयानक रस। भयानक रस का अस्थाई भाव क्या होगा, भय। भयानक रस का अस्थाई भाव भय। फिर इसके बाद अद्भुत रस। अगला रस क्या मिलेगा, अद्भुत रस। अद्भुत रस का अस्थाई भाव क्या होगा, अद्भुत रस मिलेगा। कौन सा रस,
अद्भुत रस, अद्भुत रस का अस्थाई भाव क्या होगा? आश्चर्य या विस्मय। अद्भुत रस का अस्थाई भाव आश्चर्य या विस्मय। अगला वाला रस क्या मिलेगा? रौद्र रस हो गया, भयानक रस हो गया, अद्भुत रस हो गया। फिर इसके बाद आपको मिलेगा 4, 3, 7 रस। कितना रस हुआ? 7 रस। अगला वाला मिलेगा शांत रस। नहीं, पहले देखिए विभत्स रस। कौन सा रस? विभत्स रस। अब विभत्स रस का अस्थाई भाव मेरे दोस्त क्या होगा? तो विभत्स रस का अस्थाई भाव जुगुप्सा या घृणा। जुगुप्सा, जुगुप्सा या घृणा, जुगुप्सा या घृणा। कितना हुआ? 8 रस। नौवां रस मिलेगा मेरे दोस्त आपको शांत रस। शांत रस का अस्थाई भाव क्या मिलेगा? निर्वेद। शांत रस का अस्थाई भाव मेरे दोस्त क्या मिलेगा? निर्वेद। शांत रस का अस्थाई भाव क्या मिलेगा? निर्वेद। ठीक है, 9 रस को आपको जानना है। पहला वाला मिलेगा श्रृंगार। श्रृंगार रस का स्थाई भाव रति। हास्य रस, हास्य रस का स्थाई भाव हास। करुण रस, करुण रस का स्थाई भाव शोक। वीर रस, वीर रस का स्थाई भाव उत्साह। रौद्र रस, रौद्र रस का स्थाई भाव क्रोध। भयानक रस, स्थाई भाव भय। अद्भुत रस आश्चर्य या विस्मय। विभत्स रस जुगुप्सा या घृणा। शांत रस का स्थाई भाव निर्वेद। क्या होगा? निर्वेद। देखिए श्रृंगार का मतलब होता है क्या? श्रृंगार का मतलब सजना सवरना। तो सजने सवरने का काम कौन करती है? नायक या नायिका। कब? तो जब मन करे तब। नायक तो ऐसे ही स्थान पर सजता है जब शादी वादी होगी तब, वैसे कहीं पर नायक ज्यादा नहीं सजता है। नायिका तो बहुत ज्यादा सजने का काम करती है, नायिका प्रेम करने का काम करती है। इस कारण श्रृंगार रस का स्थाई भाव बन गया क्या? रति। श्रृंगार रस का स्थाई भाव का बना रति। हास्य रस का हास, करुण का शोक, वीर का उत्साह, रौद्र का क्रोध, भयानक का भय, अद्भुत का विस्मय या आश्चर्य, विभत्स का घृणा, शांत का निर्वेद। चलिए इतना आप लोग आशा करता हूं कि लिख लिए होंगे, या तो स्क्रीनशॉट जल्दी से ले लीजिए। ठीक है, जल्दी से आगे बढ़ते हैं। क्या करते हैं? आगे बढ़ते हैं। चलिए मिटाता हूं। मेरे भैया आप लोगों को हमने बताया क्या? रस के प्रकार तथा अस्थाई भाव, रस के प्रकार तथा उनके अस्थाई भाव। ठीक है, अगला वाला देखते हैं। छोटा सा टॉपिक बनेगा इसमें। अगला रस क्या मिलेगा? शांत रस हो गया है। दसवां रस देख लेते हैं। दसवां रस मिलेगा आपको वात्सल्य रस। वात्सल्य रस। कौन सा रस? वात्सल्य रस। ठीक है, वात्सल्य रस का अस्थाई भाव क्या होगा? वात्सल्य रस का पुत्र विषयक रति कहिए, या वात्सल्य रस का अस्थाई भाव भी। यहां चलिए देख लेते हैं फिर से। वात्सल्य रस, अगला रस आपको मिलेगा वात्सल्य रस। वात्सल्य रस का अस्थाई भाव क्या होगा? पुत्र विषयक, पुत्र विषयक रति। पुत्र विषयक रति यानी पुत्र में जो प्रेम मिलेगा वो कौन सा होगा? वात्सल्य रस कहलाएगा। अगला वाला रस कौन सा मिलेगा? ग्यारहवां रस। ग्यारहवां रस मिलेगा कौन सा रस? चलिए ग्यारहवां रस मेरे भैया मिलेगा हट्टी। ग्यारहवां रस क्या होगा? तो भक्ति रस। कौन सा रस? भक्ति रस। आप भक्ति रस का अस्थाई भाव होगा भगवत विषयक, भगवत द लिखिए चाहे तो भगवत विषयक रति, भगवत विषयक रति। हमने बताया था आपको अस्थाई भाव की संख्या कितनी रहेगी? 9। भरत मुनि के अनुसार कितनी अस्थाई भाव रहेंगे? 8। कैसे बताए थे? यूं बताए थे, अगर भूल गए तो सुन लीजिए। हमने बताया था मेरे भैया प्रेम। क्या बताया था? प्रेम। आई बताए थे प्रेम कितने प्रकार का? 3 प्रकार का। कितने प्रकार का? 3। पहला वाला बताए थे नायक नायिका का प्रेम, हो गया रति। माता और पुत्र का प्रेम, हो गया वात्सल्य।
क्या हो गया? वात्सल्य, भगवान और भक्त का प्रेम या भक्त और भगवान का प्रेम बन गया भगवत विषयक। भगवत विषयक क्या बना? भगवत विषयक बन गया। ठीक है, अगला टॉपिक आपको पढ़ाएं रस के प्रकार तथा उनके अस्थाई भाव। रस के प्रकार तथा उनके अस्थाई भाव। आज के लिए बस इतना ही। मिलेंगे अगले टॉपिक में, अगले एपिसोड में। किसके साथ? रस के प्रकार में पहला वाला रस पढ़ाऊंगा, रस का नाम है श्रृंगार रस। अगले टॉपिक में जोरदार शानदार प्रस्तुति होगी दोस्तों, और अच्छे से एकदम पढ़ेंगे अस्थाई भाव क्या है, विभाव क्या है, संचारी भाव क्या है, अनुभाव क्या है, यहाँ तक कि कौन कौन सा उदाहरण अच्छा अच्छा प्रैक्टिस सेट में पूछता है, परीक्षा में पूछता है, उसके साथ उपस्थित होऊंगा। आज्ञा दीजिए अपने इस छोटे से भाई आलोक को। जय हिंद। मिलेंगे अगले दिन अगले एपिसोड में। जय हिंद।